नमस्कार केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों की। न्यूज संगठन भूरा पटेल जनता गैराज ने मीडिया को दी जानकारी। संगठन का उद्देश्य किए जाए कि गरीब असहाय लोगों की मदद। भानपुर भोपाल से भूरा पटेल भानपुर ने न्यूज संगठन जनता गैराज की बुनियाद रखी है। भूरा पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनका उद्देश्य है कि एक ही गरीब जनता का भला कैसे हो। भूरा पटेल और उनकी टीम बहुत जल्द गरीबों के लिए काम करेगी। भूरा पटेल निवेदन करते हुए लोगों से, आप लोग उनका बढ़ चढ़ कर साथ दीजिए। उन्होंने यह जो बुनियाद रखी है गरीबों के लिए सिर्फ हमदर्दी, उनका उद्देश्य बहुत साफ दिल के इंसान है। भूरा पटेल गरीबों के लिए बहुत सोचते हैं। उन्होंने बताया कि जो भी बच्चे धूम्रपान करते मिलेंगे तो उनकी टीम वहां समझाने का कार्य करेंगे। उनके संगठन को आगे बढ़ाने में उनकी मदद की जाएगी। जिन्होंने हाल ही में संगठन बनाया जिसका नाम जनता गैराज, हमारे बीच मौजूद, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैं भूरा पटेल भानपुर जनता गैराज का अध्यक्ष। मेरा कहना है कि जो भी बच्चे मतलब धूम्रपान कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और मेरा फर्ज है उनको समझाना कि नशा ना करें, उनको समझाना जहां तक है, मतलब मैं उनको समझाऊंगा आखिरी दम तक। और एक और मेरा है कि जो भी गरीब है, अनाथ आश्रम में माँ बाप है जिसके, में उनको सामान पहुंचाना मेरा फर्ज है। मेरे को जो भी दान देना चाह रहा, जो जिसकी वो बन रही है श्रद्धा, जिसकी भी जितनी श्रद्धा हो, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए जितने भी दे मेरे को दे, और मैं उनके लिए वहां तक पहुंचाऊंगा। बस यही कहना है मेरा। अभी देखते जाते हैं हमारे संगठन में कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। आज मैंने मीटिंग रखी है, छोटी सी मीटिंग हुई है, उसमें अभी बातचीत हुई है वही बच्चों को समझाने की कि नशा ना करें। इसके लिए भी हम अभी हमारा जो संगठन है शुरुआत है, जो भी हमसे सहयोग बनेगा उनके लिए, हमारा जो भी प्रेम स्नेह रहेगा हम उनके लिए समाधान उसका निकालेंगे। जैसा भी अपने सहयोग में जो भी हमारे व्यापारी संगठन जितने भी है, सब लोग जो मिलके हम लोग जो निर्णय करेंगे उनके लिए जरूर, उनके लिए तो खासकर करेंगे। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि गरीब बच्चे जो भी कचरे फुटौटा के खा रहे होते हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनके बारे में क्या कह रहे हैं? इसके लिए हम अपने नगर निगम अध्यक्ष में भी बात करेंगे कि उस चीज के लिए ज्यादातर ध्यान दिया जाए। आज शनिवार है, शनिदान का वो लेके लटका के चलते हैं, 5-5 रुपए, तो 5 रुपए तो बाप पढ़ा नहीं रहा, उनके मम्मी पापा पढ़ा नहीं रहे हैं बच्चों को, और पैसे कमाने के लिए मांग रहे हैं, भीख मंगवा रहे हैं, जिन्हें उनको अच्छे स्कूल में भेजे, सरकार ने स्कूल खुलवा दिए, सरकारी स्कूल है उनमें पहुंचाए। बस यही कहना चाहता हूँ, बच्चों को पढ़ाए, छोटे छोटे बच्चों को, ना बिगड़ेंगे ना कुछ करेंगे, आज पढ़ लेंगे कुछ तो कुछ बड़ा बन। जो आज की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो गलत दिशा में जा रही है, हमें उन्हें सही मार्गदर्शन कराना है।